जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी वर्ल्ड कप 92 जो एक ही वर्ल्ड कप हमने जीता है उसके हवाले। I congratulate Pakistan and its great people on their impressive progress. Pakistan hasil karne ke liye humne bahut qurbani di hai. Bas itna kehne raha hai ya Pakistan, Pakistan shukriya. This train is UAE Exchange. The next station is World Trade Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. Attention please, the train to UAE Exchange will depart.
आपको मजा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं पे भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी का अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई से। और यहाँ पर क्यों मौजूद हैं हम आज, क्योंकि आपको मेरे पीछे गहमा गहमी नज़र आ रही होगी, सब्ज परचमों की बहार भी दिखाई दे रही होगी। मेरे पास भी ये परचम पकड़ा हुआ है और इसकी वजह ये है कि यह है अगस्त का महीना, और अगस्त का महीना उन पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम महीना है। इसमें हमारी यौम आज़ादी है, यानी कि 14 अगस्त, जिस दिन हमने बहुत जद्दोजहद के साथ अपने वतन को हासिल किया। इसी मुनासबत से पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और एमिरेट्स लव पाकिस्तान की मुश्तरका काविशों से ये एक इवेंट अरेंज किया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक छत तले इकट्ठा किया गया है ताकि आज़ादी का जश्न मनाया जा सके। इसी सिलसिले में हम इसको कवर करने यहाँ पे मौजूद हैं आज, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शेख जायद रोड दुबई पे ये इवेंट अरेंज किया गया है। बहुत ज़बरदस्त तकरीब है जी, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक का एक लंबा इवेंट है जिसकी कवरेज के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आइए आपको इस पूरे इवेंट की कवरेज दिखाते हैं, लोगों से बातचीत भी करवाएँगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी गहमा गहमी लगी हुई है, लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने वतन की जो आज़ादी का दिन है उसको दियारे गैर में रहते हुए इंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त काविश है एमिरेट्स लव पाकिस्तान और मीडिया हाउस और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की तरफ से। ऐसे इवेंट्स हमेशा से गल्फ में और स्पेशली दुबई में अरेंज होते रहे हैं, और ये इस बार बहुत बड़ा इवेंट अरेंज किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे बुखारी फैमिली कहाँ है, तो बुखारी फैमिली है जी इस्तंबुल में, वो वहाँ से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं व्लॉग, और मैं हूँ मौजूद दुबई में और दुबई से आप लोगों के साथ इवेंट्स को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए आपको पूरे इवेंट की जो बहुत बड़ा हॉल सजाया गया है इसकी सैर भी करवाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं कि वो दियारे गैर में ऐसा अच्छा फंक्शन देख के कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए लेट्स गो, लेट्स चलो। हादिया हाशमी आ गई है, आपकी भरपूर तालियां बजाई है, स्टेज पर आ गई है पाकिस्तान से खास तौर पे आपके साथ जश्न आजादी मनाने के लिए आई है। तालियों की आवाज बहुत कम है, भरपूर तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दुबई, कैसे हैं आप सब? कितने प्यारे लग रहे हैं सारे बैठे हुए, माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा पाकिस्तानी आवाम है, तो मुझे आप ये बताएं कि मैं आपसे किस लैंग्वेज में बात करूँ, अपनी कौमी जुबान उर्दू, इंग्लिश या फिर पंजाबी? उर्दू वाले हाथ खड़ा करें ते फिर पंजाबी। अच्छा, मैंने पंजाबी नहीं आती, मैं आपसे उर्दू में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, तो उर्दू सही है? ठीक हो गया, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फेवरेट मेरी नगमा ऐ वतन प्यारे वतन सुनाऊँ आपको। आर यू रेडी? आवाज नहीं आई, और अच्छा, ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तुझसे है मेरी तो
आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है? बच्चों की आवाज आ रही है, कैसा गुजर रहा है? कैसा? तो जब मैं आई तो मैं कैसा गुजर रहा हूँ? माशाल्लाह से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्यारे घर में आके इस तरह के फंक्शन जो हमारे पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर जागती है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि पैट ने इतना अच्छा यहाँ पे मुनक्कित किया है, इतना अच्छा यहाँ पे हमारी सकाफत जगाई है हम सब के अंदर। बहुत शुक्रिया। तो दियार गैर में हमें तकरीबन ज़ाहिर है हमारे बच्चे जवान हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूंकि ये भी हमारा एक मिनी पाकिस्तान है और अब हमें ज़ाहिर है ये हमारा दूसरा घर है, पहला घर हमारा पाकिस्तान है। तो अब यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह की कौमी और कौमी दिनों को हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं मिल बांट के, और इसको बहुत अच्छे भरपूर अंदाज में को एंजॉय करते हैं। कैसा महसूस होता है जब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी एक छत तले जमा होती है, तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है? सर यकीन कीजिए, इसका एहसास ख़त्म हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम सोचते हैं हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं, और ज़ाहिर है अपने लोग उसकी खुशी अपने लोगों के दरमियान में, और कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जिन हमें पता ही नहीं होता कौन कहाँ कहाँ दुबई में या इमारात में कहीं कहाँ रह रहा है, तो ये भी एक मिलने का एक बहाना हो जाता है लोगों का। और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लंबा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, जी यूएई गवर्नमेंट और यहाँ के जो लोग हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, वो कितने कोऑपरेटिव हैं? क्योंकि हम यहाँ फंक्शन में भी देख रहे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद। सर दुबई गवर्नमेंट या दुबई इस कदर कोऑपरेटिव है, मैं कहता हूँ कि मैं इनकी मिसाल नहीं है, ये लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मैं कहता हूँ दुबई जितना कॉपरेट इनके कायदे कानून उस हिसाब से, और हम सब उसका एहतराम करते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम कोई किसी और दियार गैर में हैं, ये अपना एक मुल्क का एहसास होता है। क्या पैगाम देंगे इस खास दिन में पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में है और जो यहाँ पे? मैं पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए यही पैगाम दूँगा कि देखें हम हर मुल्क में, मैं सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा, इमारात की बात नहीं कर रहा, कहीं कहीं जहाँ जहाँ मुल्कों में लोग रहते हैं तो हम अपने अपने मुल्कों के सफ़ीर हैं। तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बिहेवियर से, अपने रवैये से,
अपनी तमाम तर खसूसियात से हम अपने मुल्क को वो कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा हमें किसी भी मुल्क में रह रहे हों उसके कायदे कानून को तमाम चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और एक आज के मौके पर यही कहूँगा 14 अगस्त है, इसके लिए दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क के हालात और मजीद बेहतर हो जाएं और वो तरक्की पे करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ये मौका प्राप्त। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बस कीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओपल की से ओ जा ओ जा पाच की चुरा ले आके आऊं इना चुरा चाहिए जल्दी कर जल्दी हो चुरन ते तुसी सारा ही बता देता सी। अच्छा ओ चल छड़ पर थोड़ा ते बोतल थोड़ा लून पा ले जल्दी करो जल्दी या फिर ऐसा करो इना नु जुत्ती सिंगाओ एडी बिल्कुल ठीक है हाय एनु के दोरा पे मेरे का ठीक है तू तेरी मैं तो चलनी आ इना नु बाबा जी दे कोलो दम ना करा जब कोई पाकिस्तानी होने का मुझे कहता था तो मुझे एहसास होता था कि नहीं मैं तो गोरा हूं, मैं तो अंग्रेज हूं। कभी तवज्जो ही नहीं थी पाकिस्तान में, कभी आया ही नहीं अपने मुल्क। मेरा मुल्क तो ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, जहां गैरों को अपने घर का हिस्सा बना लिया जाता है। पाकिस्तान तो ऐसा है जहां एक भाई के खून के लिए 10 भाई और तैयार हो जाते हैं। मीडिया की प्रॉपर कवरेज मौजूद है, बाकायदा नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है। वीडियोनिक्स कैमरों से सही यही तो पाकिस्तान है, शूट हो रही है जनाब। फंक्शन चल रहा है और हम कर रहे हैं मुस्लिम लोगों से बात। हमारे साथ बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं, आइए इनके तासुर जानते हैं कि आज के इस खास दिन पे प्यारे गैर में ये कैसा महसूस है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। करियर से पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिए आप। मैं हमीद नासिर, आई एम वर्किंग हेयर एज इंजीनियर, और ये उसामा ताहिर। कैसा महसूस कर रहे हैं इस खास दिन पे दियारे गैर में, प्रदेश में इतनी बड़ी कम्युनिटी में आके फंक्शन में? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इस तरह का कभी हमने यहाँ पे दुबई में पिछले 5 साल से हम रहते हैं, मगर इस तरह का कोई हमने अभी तक नहीं देखा था कोई फंक्शन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, और इतना लॉन्ग लेंथी फंक्शन के 11 से 11 नाइट, यानी ऑलमोस्ट 12 आवर्स फंक्शन है, और काफ़ी हल्ला गुल्ला और काफ़ी नहीं वो पेट्रियाटिज़म इन द एयर। सो वी आर फीलिंग मच प्राउड ऑफ आवर नेशन एंड आवर कंट्री। क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान में मौजूद लोगों को और यहाँ? बस पैगाम यही है कि हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, और एटलीस्ट अपने पेट्रियटिज्म को किसी भी सूरत में जो है ना भूलना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। जिंदाबाद। बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और एमिरेट्स लव पाकिस्तान मीडिया हाउस ने, और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की इस वक्त मौजूद यहाँ पे, और आप देख सकते हैं म्यूज़िक पाकिस्तानी जोम आज़ादी हो और मिली नगमे ना हो वो कैसे मुमकिन है। और चल रहा है प्रोग्राम सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक का प्रोग्राम है ये, तो आपको हम इसी तरह अपने साथ ये दिखाते रहते हैं और लोगों से बातचीत भी करवाते हैं।
ये स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर, और लेडीज़ ने भी स्टॉल लगाए हुए हैं और जेंट्स ने भी लगाए हुए हैं। हमारे कल्चरल जो चीज़ें हैं उनके स्टॉल्स भी हैं, पाकिस्तानी टी शर्ट्स भी मिलेंगी, बैट्स मिलेंगे जी आपको यहाँ पे, क्रिकेट बैट भी अवेलेबल हैं और स्पोर्ट्स का काफ़ी सामान यहाँ पे मौजूद है, स्पोर्ट्स शॉप है। और ये केक्स एंड बेक्स का स्टॉल लगा हुआ है जी, लेडीज अपनी शॉपिंग में लगी हुई हैं। ये एक और स्टॉल, वो टायर, आइए अब बात करते हैं हमारे ये काफ़ी स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ, इनके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। क्या आपके तासुरात हैं आज के इस फंक्शन के हवाले से और आपके स्टॉल के हवाले से और जश्न आज़ादी के? फंक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है और एक दफ़ा फिर से जो है क्या कहते हैं वो 14 अगस्त और वो अपना बचपन ये सारा कुछ हमें बड़ा अच्छे से दोबारा हमें याद आ गया। और स्टॉल को लेकर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हमारा हयाती कलेक्शंस के नाम से ये ब्रांड है और ये पाकिस्तानी ब्रांड है। हम लोग पाकिस्तानी शलवार कमीज़ वेस्टर्न लाइन और इन सब चीज़ों में हम लोग डील करते हैं। और बस आप सबसे यही है रिक्वेस्ट कि आएँ और लें और फिर उसके बाद अपने रिव्यूज़ दें। पैगाम यही दूंगी कि जो है हम बाहर रहने वाले जो हैं पाकिस्तानी यहाँ पर आएँ और आप अपने पाकिस्तानी कल्चर को सपोर्ट करें, प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब पाकिस्तान को लेके आप लोग अपनी पूरे मुल्क में दें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे डेकोरेशन का कुछ स्टॉल है जी, देखिए पेंटिंग की जा रही है, यहाँ पे फेस पेंटिंग है और यहाँ पिक्चर्स बनाई जा रही हैं। ये भी स्टॉल लगा हुआ है जी, एक चूड़ियाँ हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये अरेंजमेंट किए गए हैं, ये पूरा मौका दिया गया है पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने चीज़ों को एग्जिबिट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, और लोगों को मौका दिया गया है, जो कम्युनिटी है, जो आम लोग हैं वो आएँ और इस प्रदेश में ऐसे माहौल से स्टेज पे परफॉर्मेंसेस चल रही हैं जी। नेशनल अचार की तरफ से मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं अचार के बॉक्सेस और बहुत बड़ी तादाद में ये तकसीम किए जा रहे हैं।
जी व्यूअर्स हमारे साथ घूमते फिरते, हम तो घूम फिर रहे हैं इस फंक्शन में। हमारे साथ दो बड़े अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, बच्चे नहीं हैं थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं जिनका अटायर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, आज के फंक्शन से हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। पहले अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं 15 साल का हूं, मैं इधर पढ़ता हूं। कैसा लग रहा है आज के फंक्शन में? बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े कहां से लिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत ड्रेस है माशाल्लाह। हम लोग पाकिस्तान गए थे ईद के लिए। अच्छा, उधर लिया। आपके बाबा हैं? जी। सभी बात करवा दीजिए हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लग रहा है आपको आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों का अपना पाकिस्तान का फील आ रहा है इधर, तो बहुत खुशी हुई इधर आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। पाकिस्तान में नहीं, पैगाम बस यही देंगे कि यहाँ पर भी अच्छा काम करे, पाकिस्तान में भी अच्छा काम करे, अपने मुल्क का नाम रोशन करे, ताकि कोई भी हमारी तरफ उंगली उठा के भी नहीं देख सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, बच्चों के साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके तासरात जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अलग तारुफ करवा दीजिए पहले। शहबाज सजाद, मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो यहाँ इवेंट पे आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं क्राउड आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रॉपर वे से, तो बड़ा खुशी हो रही है कि बाहर पाकिस्तान से बाहर इस तरह का इवेंट कर रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं, इतने अपने लोगों को आए हुए, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें जी, ये एक नुमाइश सी लगाई हुई है यहाँ पे, पाकिस्तान की तारीख पूरी, ये टिकट्स हैं, एनवेलप्स हैं, डाक एनवेलप्स हैं, उसके लिए भी यहाँ इनकी ये हिस्ट्री भी लगी हुई है। ये पूरी कलेक्शन है, ये पाकिस्तान के डाक के निज़ाम के हवाले से। डाक टिकट्स हैं, खतों के लिफाफे जिन्हें कहा जाता था वो भी हैं, वॉक थ्रू हिस्ट्री, पार्टीशन के टाइम की यादें, ये सारा जी इंतज़ाम जो है ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की तरफ से किया गया है। इस जितनी भी अरेंजमेंट हैं ये पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की तरफ से हैं। ये कायदे आज़म के हवाले से सारी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट 1859। अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, रोल ऑफ वुमेन और जलियांवाला बाग मैसेकर के हवाले से भी ये एक पोस्टर यहाँ चस्पा किया गया है। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये पूरी एक नुमाइश गैलरी बनाई गई है। ये देखें जो स्पेशल कॉइन्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वक्तन फवक्तन, ये उनका डिस्प्ले किया गया है। और ये पासपोर्ट्स हमारे वक्त के साथ साथ जैसे बदलते रहे, पाकिस्तान पासपोर्ट, ये
पासपोर्ट की तारीख दिखाई गई है यहाँ पे। ये देखिए ये पासपोर्ट की हिस्ट्री पूरी। सभी पासपोर्ट यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। ये जी वर्ल्ड कप 92 जो एक ही वर्ल्ड कप हमने जीता है उसके हवाले से ये पोर्ट्रेट है। ये नीचे डाक टिकट और क्वाइन एसोसिएशन दुबई 1988 में। जी पाकिस्तान के करेंसी वक्त के साथ साथ बदलते हुए ये मुख्तलिफ अदवार में जो पाकिस्तान के करेंसी नोट्स हैं उनका डिस्प्ले किया गया है। मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स और फिर पासपोर्ट्स। डिटेल अच्छी एग्जीबिशन अरेंजमेंट किया गया है पाकिस्तान एसोसिएशन मुंबई की तरफ से। तारीख भी बताई गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट नोट है जी 75 रुपए का 75वीं साल के हवाले से ये बनाया गया। जी तो व्यूअर्स पाकिस्तान की आज़ादी का दिन हो 14 अगस्त का दिन हो जश्न आज़ादी का दिन हो और स्पेशली ड्रेसिंग ना हुई हो तो मज़ा नहीं आता। हमारे साथ कुछ ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं फैमिली मौजूद है जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग की हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। इरफान नाम है मेरा और ये भाई है छोटा मेरा निहान। कहाँ से हैं? लाहौर पंजाबी प्योर पंजाबी। लाहौर तो प्योर पंजाबी है। कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त यार बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे पहले तो यूएई का शुक्रिया पाकिस्तानी एसोसिएशन का शुक्रिया जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम यहाँ पे पैदा हुए हैं और पहली दफ़ा है कि इतना बड़े लेवल पे मतलब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे हर साल ऐसे हो। और सबसे बड़ा कम्युनिटी टुगेदर है सबसे मज़ेदार इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यारे गैर में रहते हुए इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तो यही तो मज़ा आ रहा है कि सब टुगेदर है। यहाँ पे कोई पंजाबी सिंधी नहीं कोई पॉलिटिकल बात नहीं सब पाकिस्तानी है सिर्फ ये मज़ेदार है। और अल्लाह करे ऐसे ही हो हर साल हो। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान में मौजूद लोगों को? सबको यही कहेंगे आपस में प्यार मोहब्बत से रहें इत्तेफाक से रहें बड़ा प्यारा मुल्क है और इसकी कदर करें और सब इसके लिए जो हो सकता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
परचम लेके फिर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के परचम के रंगों में रंगे हुए ड्रेसेस पहने हुए हैं। और है जब बैठने की जगह भी बनाई गई है और फूड स्टॉल्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, लोग भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत रश लगा हुआ है फूड स्टॉल्स पे भी। अलमराई का स्टॉल है, आइसक्रीम दी जा रही है, ये भी फ्री आइसक्रीम दी जा रही है। थैंक यू। ये है इग्लू आइसक्रीम, आइसक्रीम दी गई है इग्लू की तरफ से। लोग खाने पीने को भी इंजॉय कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस को भी इंजॉय कर रहे हैं। और आज के दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रदेश में देश के मज़े ले रहे हैं जी पाकिस्तानी इस वक्त। सिटिंग एरिया भी यहाँ पे बनाया हुआ है जी, ताकि लोग खाने पीने का जो है वो इत्माम कर सकें, यहाँ बैठ के आराम से खा पी सकें। रश बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की थी और आफ्टरनून में भी रिक्वेस्ट की थी कि जो इनसाइड सीटिंग एरिया है बहुत सी फैमिली बाहर वेट कर रही है। ये अपने स्कूल की जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं। ये और जिस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही ख़ास स्टॉल पे, जिससे मेरी बहुत सी जो है वो हस्तगी रही है पिछले सालों में, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल से पढ़े हैं और ये स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी दुबई की प्राइमरी हेड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सर? शुक्र अल्लाह का। मेरा नाम मिस मारिया मसर है और मैं पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी की प्राइमरी हेड हूँ और आज इस इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। दिस इज सच अ वंडरफुल इवेंट माशाल्लाह, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है ऐसा का इवेंट अटेंड करने का, और दिस इज अ फंटास्टिक वंडरफुल इवेंट विद ऑल द एक्टिविटीज एंड सो मच पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑल अराउंड। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दिस इज आवर स्टॉल फॉर पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का रोबोटिक्स का सारा जो बच्चों ने रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए थे वो हमने रखे हुए डिस्प्ले के लिए और वो बता रहे हैं कि हाउ डू दे वर्क। सेकेंडली वी आर हेयर टू फॉर बिकॉज वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एडमिशन क्वेरीज और हम लोग के इसलिए हमने यहाँ पे एक और अपना यहाँ पे स्टॉल सेटअप किया हुआ है। सेकेंडली वी आर वर्किंग रियली वेल टूवर्ड्स द गुड। पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी इस वक्त गुड की तरफ वी आर वर्किंग और ये है कि वी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल, हमारा क्यूरियोसिटी पे हम इनोवेशन पे वी आर फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ लिटरेसी कॉन्सेप्ट और रीडिंग पे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड इट पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी। वी वुड लव यू ऑल टू कम एंड विजिट अस और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो लगाने की इजाज़त दी गई है यहाँ पे कि आप अपने प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट भी कर सकें। ये स्कूल का स्टॉल लगा हुआ है, ये कोई रोबोटिक्स का स्टॉल है यहाँ पे रोबोट्स के हवाले से, और ये भी रोबोटिक का ही है कुछ।
ये देखिए जी बहुत अच्छे हवाले से है, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल के का है ये सारा स्टॉल। वालेकुम अस्सलाम, इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल दुबई, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल इन दुबई। We have got admissions right now open for O and A levels. We are one of the schools that have got the biggest award in the whole of the entire Middle East. We top the Middle East. And we are open right now. All the students are going to take admission today on the 14th of August. So we will give them 50% discount on admission fee. So that is a huge discount. And I guess that everyone should avail this chance. This school is one of the oldest school, by the way. It has been set up in 1978 and the largest school. So in order to celebrate Pakistan's Independence Day, this is a good event, this is a good chance. You give the reference of this talk and we'll give you 50% discount. I am head of the business studies. We've got so many options available. So please do come, register yourself and enjoy the biggest discount in English language school. Thank you. Thank you so much. And I'm going to give you a big offer. If you join this channel, subscribe this channel today, and all those who have subscribed this channel will give you 50% discount on the admission fees. So come join this channel and share this thing. Thank you. Thank you so much, sir. जी थकावट होना शुरू हो गई है जी, घूम घूम के थक गए हैं और लोगों का अभी आना जारी है। देख सकते हैं कि हॉल अब अचानक भर चुका है, नीचे बैठे हुए हैं और सुबह से तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे शाम ढल रही है लोग बहुत बड़ी तादाद में इस इवेंट को देखने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दूसरी भी बहुत सी नेशनलिटीज़, बहुत सी कौमियों के लोग यहाँ पे इस फंक्शन को देखने आए हुए हैं, जिसमें इंडियंस भी हैं, फिलिपिनोज भी हैं और बहुत सी मुल्कों के लोग जो हैं वो यहाँ इवेंट को कवर करने और देखने आए हुए हैं। लोगों के आने का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है, चौक दर चौक जैसे जैसे वक्त शाम ढल रही है लोग आते चले जा रहे हैं, रश बढ़ता चला जा रहा है। जब मैं आया था दोपहर के वक्त तो उस वक्त इतनी बड़ी तादाद नहीं थी लोगों की, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस इवेंट में शमूलियत के लिए आ रही है यहाँ पर, और अब रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बोर्ड आवेदन किया गया है यहाँ पे एमिरेट्स लव पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की तरफ से, जिसके साथ तस्वीर बनवा रहे हैं और यादगार लम्हात को अपने कैमरों में महफूज कर रहे हैं। आप सबको पसंद है बच्चे, तो फिर आज शाम को भी होली होने वाली है।
मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जी यहाँ पे, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है और कवरेज की जा रही है इस फंक्शन की। बहुत बड़ा इवेंट है नो डाउट, और अरब मीडिया भी मौजूद है, VOA, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी मौजूद हैं और अरब मीडिया भी यहाँ कवर करने आया है इस इवेंट को। रश का आलम आप देख सकते हैं अभी। बहुत रश हो चुका है। सच्चाई का सोया कश्मीर मणिया सोया।
हमारे साथ खूबसूरत सूबे बलोचिस्तान से शहर क्वेटा से एक फैमिली मौजूद है, बहुत खूबसूरत फैमिली आई है, इनसे बात करते हैं। आपको भी बहुत मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन है तो हमें भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, मनाना चाहिए इस फंक्शन को। हमारा आदमी कितना टाइम? 13 साल हो गए मुझे हमारा बस यही होगा कि आ जाएं, जितने हमारे लोग यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, यहाँ पे आ जाएं और हमें अपने मुल्क से वही वही माहौल मिल रहा है जो हमें पाकिस्तान में चाहिए। व्यूअर्स हमारे साथ एक बहुत ही पुरजोश किस्म के जो हैं वो पाकिस्तानी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, बड़े खूबसूरत ड्रेसेस में हैं, आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 14 अगस्त हम यहाँ पाकिस्तानी मना रहे हैं बहुत जोश जुनून जज्बे के साथ। हमारे साथ काफी सिंधी है, सिराकी है, पंजाबी, पठान, जो भी मुल्क से पाकिस्तान में ताल्लुक रखते हैं वो सब लोग इधर है, बहुत इंजॉय करते हैं और ये हमारा प्यारा परचम पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हम परदेश में इतने खुश हैं, इतने खुश हैं बयां नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स बहुत बड़ा हाल है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई का और इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं और ये हाल खचाखच भर चुका है पाकिस्तानियों से और दीगर नेशनलिटीज से और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ लोग कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मिनी पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है इस प्रोग्राम में जो कि अरेंज किया गया पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और एमिरेट्स लव पाकिस्तान की तरफ से। फंक्शन अभी जारी है और हम भी साथ हैं, हम भी हार नहीं मानेंगे, आप भी देखते हुए हार नहीं मानिएगा और देखते रहिए हमारे चैनल को और इस इवेंट को। जी व्यूअर्स, रश हो चुका है बहुत ज़्यादा और मैं अब घूम घूम के दोपहर से सुबह से तो नहीं, अब मैं थक चुका था तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल हॉल के एंड पे बैठ के रेस्ट किया जाए और कुछ खा पी लिया जाए। गहमा गहमी बड़ी फुटा के चल रही है, बड़ा ठीक ठाक इस वक्त महफिल अरूज पे है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शामिल हो चुकी है और फंक्शन जो है वो चल रहा है, रात 11 बजे तक चलेगा। थोड़े से रेस्ट के बाद आपको वापस ले कर चलते हैं फंक्शन की तरफ, हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून। Yeah.
बजाए ये देखें व्यूअर्स, रात के करीबन इस वक्त 8:30 हो चुके हैं और बाहर लोगों का बहुत बड़ा हजूम है, वो मौजूद है अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने रास्ता बंद कर दिया है और अब अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि लोग बाहर अब खड़े हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, रास्ता बंद कर दिया है, वो टू गेट्स बंद कर दिए। आपको पता है कि गल्फ में और स्पेशली यूएई में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, रहती है, यहाँ आबाद हैं, नौकरियाँ करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक करीबन 1.5 मिलियन के करीब 1.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी यहाँ पे यूएई में सिर्फ आबाद हैं और रहते हैं। तो ये तो जो अगर हम तादाद देखें तो कुछ भी नहीं है, 2-3% लोग भी जो हैं वो नहीं आए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप सब? मैं मोहम्मद उमर बिलाल पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान साहिवाल से। मेनकंपनी से। कैसा महसूस कर रही हैं दियारे गैर? देखें जी, दियारे गैर में इतना बड़ा, दुबई में, आई थिंक दुबई में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट जश्न आज़ादी के हवाले से हो रहा है और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट है और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान उसी दुबई नेक्स्ट टाइम भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्कद करेगी। पाकिस्तान आज के दिन के हवाले से जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ईमान इत्तेहाद तंजीम, हमको इन असूलों को फॉलो करना पड़ेगा इंशाल्लाह, हम एक जिंदा कौम है और दुनिया में एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.
present his credentials to late Sheikh Faiz bin Sultan Al Nahyan on the 2nd of December 1971. The bilateral and brotherly relationship between the two countries is for the history books. They have come together to create some amazing projects. On almost every street in the Emirates, you see Pakistan. And in almost every city in Pakistan, you find the Emirates. This friendship is an absolute reflection of trust and social cohesion. We are celebrating the Pakistan Independence Day in the Emirates today. Distinguished guests, fellow celebrators, ladies and gentlemen, I am having the honor to celebrate Pakistan's 77th anniversary of independence with you tonight. I congratulate Pakistan and its great people on their impressive progress in all fields and on their commitment to achieve prosperity for all. I admire the growing importance of the country in the global stage, and I commend the Pakistani community in the UAE for choosing to celebrate their country's historic Independence Day in this meaningful way that reflects your love of your country and your strong relationship with one another. I am pleased to know that the cohesiveness of your community is on display here this evening, as you express pride in your admirable and thriving culture, heritage, achievements, and traditions. We in the United Arab Emirates are fortunate to call the people of Pakistan our brothers and our sisters. Our cultural, political, commercial, and people-to-people linkages are deeply rooted in shared values and beliefs, and providing a strong and stable foundation for our close relations now and in the future. We Emiratis appreciate in particular the many significant contributions to our country of all of you, our brothers and sisters from Pakistan. We live and work here with us for the prosperity of the UAE. We appreciate your understanding, your honesty, reliability, skills, intelligence, and entrepreneurship. Your knowledge, talent, energy, and goodwill have benefited our country. And have strengthened our ties and linkages. As all of you know, our President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, greatly valued the long and enduring relations with brotherhood and friendship between the people of Pakistan and the people of the United Arab Emirates.
under his wise and mighty leadership, we in the UAE are strongly committed to strengthening our long, harmonious and productive relationship with Pakistan. God willing, with His highest guidance and with the support and determination of the people in both countries, our connections and our cooperation will continue to grow and prosper. My dear friends, this celebration is filled with pride for the present and with hope and aspiration for the future. I am honored to be among you during our part of Pakistan and doing relations between Pakistan and Iran are perimeters. To realize these hopes and aspirations, we are proud of Pakistan's continuing progress and are confident of the country's bright future. We believe that both Pakistan and the United Arab Emirates will continue to jointly achieve our aspirations for peace and prosperity for all our people. We are. Thank you. We are determined that a strong political, economic, and cultural ties between our two countries will continue to expand and strengthen. We are committed to building and supporting the institutions that make greater cooperation and joint initiatives possible. We also have hope and strong resolve for achieving progress and peace. We in the UAE are proud to work with our Pakistani brothers and sisters to achieve regional and global progress and prosperity. In that context, I express my pleasure in being able to offer a special congratulations to those high achievers who are being honored with a special award this evening. Their accomplishments in business, finance, charity, healthcare, science and technology, sports, design, and community service have enriched us all our lives. The awards they have earned give recognition when it's due to all of them as top leaders in various fields of endeavors in Pakistan, the UAE, and far beyond. I congratulate them and express my appreciation for their efforts to improve the human condition and to promote excellence in all of our human enterprises. Let me conclude by thanking all of you, my brothers and sisters. For allowing me to join you in celebrating the independence of your great country. I congratulate you once again and I thank you all for your participation. I thank you all in the participation of the life of the United Arab Emirates as well as for your efforts to promote brotherhood, cooperation, friendship between Pakistan and the United Arab Emirates. I am delighted to be here with you this evening. I wish you
and all the great people of Pakistan prosperity and continued well-being in the years ahead. My best wishes to all of you. Happy 77th Independence Day. Shukran. Thank you, Your Excellency, for your kind words. We now move on to celebrate some exceptional Pakistanis who have made a significant contributions in their respective fields. I would like to invite the Ambassador of Pakistan, His Excellency Faisal Niaz Tirmizi, to join Sheikh Nahyan on stage, along with His Excellency Hussein Mohammed, Council General of Pakistan, and Dr. Faisal Ikram, President, Pakistan Association, Dubai. Our first awardee for the evening is Chaudhry Abdul Wahid of Ravi Restaurant. He has revolutionized the Dubai restaurant industry and garnered multiple accolades in the last 5 decades. I've established a name in the real estate industry and have been awarded as number one by Iman and others. On behalf of the Tomini Group, we'd like to invite Numair Sheikh to please receive the award. For the last 4 decades, the Tomini Group has contributed to the shipping and logistics industry and established Dubai's premier classic car showroom. Thank you for all your incredible contributions. We would now like to have His Excellency Faisal Niaz Tirmizi to please share his thoughts with us tonight. We have a token of appreciation for His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan on behalf of the Emirates Club Pakistan and the Pakistan Association Dubai. Requesting His Excellency Ambassador Faisal Niaz Tirmizi to share his thoughts with us. And 555 matches. This is one of the best events that I have witnessed in my 21 years career. I have been to events all across the world, but I have been presenting amazing stories about their communities to all over the world. Thank you very much, Emirates Labs, and we all love you. Thank you very much. We will say goodbye, but again in the roar of your clapping. Your clapping should not stop until they leave the stage. Thank you very much, Emirates Labs. Thank you. Salaam alaikum. Assalamu alaikum. Pakistan. Pakistan. Sir.
अभी जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Oh,
जी तो व्यूअर्स, ये था आज का इवेंट पाकिस्तान की 70वीं जश्न आज़ादी के मौके पर जो इनेकाद किया गया था। इस तकरीब का इवेंट अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाकी है अभी, लेकिन मैं निकल रहा हूँ। अब बस हो गई है, बिल्कुल थक गया हुआ हूँ, अब वापसी की तैयारी है। और ये था आज का जी इवेंट तकरीब, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और एमिरेट्स लव पाकिस्तान मीडिया हाउस ने मिल के इसको अरेंज किया था पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान का 70वां जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। बहुत ही ज़बरदस्त तकरीब थी। ये भी हमें बताया गया तकरीब के दौरान के पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में कहीं भी सबसे बड़ी तादाद में किसी जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में शिरकत करके रिकॉर्ड बनाया है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। आपने सारी परफॉर्मेंस भी देखी, आपने परफॉर्मर्स में जो है वो बहुत से पाकिस्तानी सिंगर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे। शेख मुबारक ने खिताब किया और पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ़ की। और इसी तरह से सिंगर्स में हादिया हाशमी, एक उभरता सितारा, और शहजाद रॉय ने परफॉर्म किया। इसके अलावा खुमारियाँ बैंड ने, और इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे सिंगर्स भी मौजूद थे। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का रवानगी का सिलसिला हो चुका है शुरू, लोग वापस जा रहे हैं। और
इंजॉय किया सही मानों में। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान जो है वो यहाँ उमड़ आया है इस हॉल में। बहुत बड़ा हॉल था और भर चुका था, बहुत बड़ी तादाद शाम के वक्त आई। आप लोगों को इस्तांबुल की भी कम्युनिटी का गेट टुगेदर हम दिखा चुके हैं पहले ईद तकारीब पे और 14 अगस्त पे भी। और ये जो था ये बहुत बड़ा गेट टुगेदर था, बहुत बड़ी कम्युनिटी गैदरिंग थी किसी भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी की। ओ आपसे फिर वही दरख्वास्त एंड पे कि चैनल को ज़रूर जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो वीडियो पूरी देखा कीजिए। और जो हमारे नए शामिल होने वाले हैं इस डिजिटल फैमिली में हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे है दरख्वास्त कि अपनी उंगलियों को ज़हमत दे के तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात से। मिलते हैं आपसे फिर किसी व्लॉग में। और आप सबको तमाम पाकिस्तानियों को जो जहाँ भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं दुनिया भर में सबको पाकिस्तान का 77वां योम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।